हेंगवाल एंड गुजराती कॉलोनी में हम लोग, यहाँ पर सब अच्छे हैप्पी लोग रहते हैं और हर यहाँ व्यापारी वर्ग का ही यहाँ पर आवास है। जब उनके घर के सामने में एक फ्लाईओवर के बीच में छोटा रोड निकल रहा है तो हर किसी का आक्रोश हो गया, गुस्सा हुआ कि हम लोग छोटे रोड में कैसा चलेंगे। और सारे के सारे इनका कहने का कई प्रकार के मतलब है। हमारे सामने बबलू भाई है, समाज सेवी आपका ना भैया, और आज वो यहाँ बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ है, गैदरिंग यहाँ पूर्वोत्तर विधायक आए, लेकिन यहाँ के लोकल विधायक श्री जयनम मिश्रा जी भी नहीं आए। टोटल लोग बाहर के एक्स एम एल ए लोग हैं सर, इसके बारे बताना चाहिए। देखिए हम पहले जो मतलब जो प्लानिंग किए थे, जो मतलब ये ब्रिज के लिए बोले थे, ये विकास है, विकास होगा लोगों का, मतलब सुविधा के लिए किए हैं, वही जब किए थे जो तब के जब एमएलए थे, इसीलिए श्री राजश्री पाणिग्य रही, तब के एमएलए को हमने बुलाए थे और उनका हिसाब से वो जैसा किए थे विकास का नाम पर जो हम लोगों को ठग रहे हैं, उनके हिसाब से पहले देखो ये विकास है कि लोगों का सुविधा है कि विनाश हो रहा है। हाँ, कि विनाश कर रहे हो, इसीलिए हम लोग उनको पहले बुलाए थे। उनको बुलाने के बाद उनका हम लोग सुनना चाहते थे वो क्या कर रहे हैं, इसके बाद मतलब जो गली छोड़ रहे हैं, एक ब्रिज के नीचे से एक गली, एक आदमी एक हाथ से चल के जाएगा। जब पहले हम लोग हमारा पड़ा से मतलब बस में बैठते थे, बस में आता था बस और हम लोग बैठ के जाते थे, बरगढ़ हो या झारसुगुड़ा हो जिधर हो, अब वहाँ पर एक तो रिक्शा नहीं जाएगा, इसीलिए हम लोग उनको ही पहले बुलाए थे। उनका बात सुनने के बाद हम लोग आगे का स्टेप अपने जब अभी का MLA हैं और अभी का मतलब जो MP हैं, उनको सबको बुलाएंगे, यही चीज़ हम सबको एक एक बार सबको दिखाएंगे। और सबको दिखाने के बाद अगर हम लोगों का हिसाब से और पूरा मतलब संबलपुर का हिसाब से अगर काम नहीं हुआ तो ये काम को हम यहीं पर ही ठप करेंगे। और जन आंदोलन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अनशन में सब बैठेंगे, ये हम लोग का आगे का ये पूरा प्रोग्राम है। हाँ सर, बोलो भाई, आप क्या बोलेंगे? मैंने हमारे अज्जू भाई को सब कुछ बता दिए और आगामी दिन में गोटे कल आम गुजराती कॉलोनी गुजराती कॉलोनी में जो मैंने जैसा एसेंशियल चीज़ जैसा हुआ एम्बुलेंस हुआ, आपका अग्निशमन विभाग हुआ, ये जो गाड़ी भी आज का डेट में वो रोड में सर्विस रोड इतना छोटा है कि नहीं घुस सकता है, तो ये सब का व्यवस्था ये सब का व्यवस्था नहीं होने से कल का कॉलोनी वासियों लोगों को बहुत प्रकार का तकलीफ होगा। खाली कॉलोनी नहीं, संबलपुर का टोटल, संबलपुर में जितना रोड से कवर कर रहे हैं सबको असुविधा होगा, इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन कर रहे हैं और इसको आगे जाकर के हम लोग और बड़ा रूप लेने जा रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने देखा गुजराती कॉलोनी लाइन रोड जो मेन लाइन है, हर लोगों को आने जाने का रास्ता जो है, कम से कम रास्ता जितना चौड़ा रहेगा गाड़ियाँ उतनी आएंगी। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। क्योंकि ये जो लड़ाई है अभी लंबी लड़ाई है, देखिए यहाँ कुछ प्रकार की राजनीति भी घुस जा रही है, तो ये कहते हैं राजनीति नहीं हो, लोगों का काम हो, लोगों का सेवा हो, यहाँ विकास हो, विनाश ना हो, लोगों को विनाश ना किया जाए, लोगों को विकास किया जाए। आपकी आवाज़ संबलपुर।